हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल ही हटके है। एक स्टूडेंट है बिहार से, उनकी फेसबुक पे मुझसे बात हुई। फेसबुक पे उनका मैसेज आया कि सर मुझे एक बात बताइए, मैंने काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम दिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऐसी काफ़ी वीडियो बनाई है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है या आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और आपकी जॉब नहीं लगी तो आप आगे क्या करें। तो इस तरीके की मैंने काफ़ी वीडियो जो अपने चैनल पर अपलोड की है, क्योंकि काफ़ी ऐसे होता है इंडिया में कि आप देखेंगे तो जैसे कि यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, या राजस्थान हो गया, या बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस तरह क्या है, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं कि जैसे विलेज से होते हैं तो वो करते हैं गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा तैयारी करते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट इसी तरह से होते हैं गवर्नमेंट जॉब की जो है ज़्यादा तैयारी करते हैं। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा तो फ्यूचर जो है हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। और होता भी ऐसे ही है, अगर आपका गवर्नमेंट में जॉब में नंबर आ जाए अच्छी पोस्ट पे तो आपको फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये भी है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और काफ़ी का नंबर आता है, काफ़ी का नंबर नहीं आता है। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट की मेरे फेसबुक पे मैसेज आया कि सर मुझे कुछ आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है बताइए। तो उन्होंने बताया सर मैंने काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं और मेरा नंबर नहीं आया है, और अब एज जो है उनकी वो 30 के आसपास जो है हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इसीलिए अभी तक शादी वगैरह भी नहीं करी कि पहले मैं जो है गवर्नमेंट का अपना एग्जाम क्लियर कर लूँ, उसके बाद शादी करेंगे। तो शादी थोड़ा ये भी था कि शादी अच्छी लड़की से होगी, अगर मानो गवर्नमेंट एग्जाम जो हम क्लियर कर लेते तो शादी भी अच्छी जगह पे होगी, अच्छी लड़की से होगी, पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी, इसीलिए उन्होंने शादी भी नहीं करी। और ये काफ़ी स्टूडेंटों के साथ होता है, एक उसी के साथ नहीं, काफ़ी और भी बहुत स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसा होता है। काफ़ी टाइम तक मानो नंबर इस बार नहीं आया तो फिर अगली बार ट्राई करते हैं, और अच्छा भी है, ट्राई करना चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी एक बार नंबर नहीं आया, दो बार नहीं आया तो फिर छोड़ दो, फिर कुछ और करने लगो, ये भी ठीक नहीं है। जब आपने इतनी मेहनत की है तो तैयारी आपको करनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि उनकी अब शादी कैसे होगी। बाकी उन्होंने कहा मुझे कोई और दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ तो कुछ कर भी लूँगा, अपना खर्चा जो चला लूँगा, मगर मेन दिक्कत यह है कि हम चाहते थे कि शादी जो है वो अच्छी जगह हो, अच्छी लड़की से हो। तो वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने भी सुना, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये कैसा क्वेश्चन है। तो फिर मैंने उनसे बोला देखो अब गवर्नमेंट में तो ये तो है नहीं कि एज आपकी कम हो जाए और आप गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी फिर से करने लगो, या ऐसा तो कोई है नहीं। और ऊपर लेवल की करोगे तो वो हो सकता है और हार्ड हो, जब आप कोई एग्ज़ाम अभी ये भी नहीं निकाल पाए या इसमें भी आपका नंबर नहीं आया। कई बार ऐसे नहीं होता है कि हम पढ़ते अच्छा है, सारा कुछ अच्छा होता है, मगर फिर भी किसी वजह से जो एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते। ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ाई, ऐसे ही होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की तभी आप नहीं निकाल पाए, कई बार लक भी होता है, काफ़ी चीज़ें जो उस पर डिपेंड करती हैं। तो कई बार हम अच्छी पढ़ाई भी करते हैं फिर भी नहीं निकाल पाते। तो अब उससे मेरी बात इसी को लेके हुई, मैंने कहा ये भी एक बड़ा अजीब मुझे लगा कि वो किसी और चीज़ से परेशान नहीं है, वो परेशान है कि शादी अब कैसे होगी। तो मेरा ऐसे स्टूडेंटों को या उसको मैंने एक ही बात बोली कि अब आपके पास ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें फिर से, और फिर तो और भी ज़्यादा वेस्ट अपने आप को करना होगा। तो अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन जो उन्होंने किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन उन्होंने अपना किया हुआ है, तो उनके पास ऐसा भी कोई वो नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं तो वहाँ कहीं अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने बताया कि हिस्ट्री वगैरह से जो है उन्होंने अपना हिस्ट्री, पॉलिटेक्निकल साइंस वगैरह इस तरीके से जो है उन्होंने सब्जेक्ट लिए थे अपने, सिंपल उन्होंने बीए किया था तो उससे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। तो ऐसा भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं जाके जॉब करने लगे तो उन्हें अच्छी सैलरी मिल जाए। सैलरी भी वहाँ, अब देखो बिहार में है तो वहाँ थोड़ा मुश्किल भी होता है, बिहार यूपी इस तरह तो कंपनी वगैरह का भी थोड़ा सा कम है। अच्छी जगह आप जाओगे तो ही कंपनियाँ वगैरह अच्छी ज़्यादा हैं तभी वहाँ, नहीं तो वहाँ शॉप वगैरह पे काम करो या गार्ड वगैरह की, इस तरह की जॉब होती हैं बहुत। तो इनमें तो खर्चा अपना भी चलाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा आप देख रहे हैं महंगाई जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो अपना भी खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनको एक ही सलाह दी, जब आपने इतनी टाइम जो तैयारी की है, वो बता रहे थे कि उन्होंने 7-8 साल जो है तैयारी की है गवर्नमेंट जॉब की, जब आपने इतने टाइम तैयारी की है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि 3 से लेके 5 महीने जो और तैयारी करें। तो कह रहे कि नहीं तैयारी तो अब मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा उनको तैयारी आपको गवर्नमेंट जॉब की अब नहीं करनी है, अब यहाँ पे आपको किसी भी टेक्निकल कुछ भी आपको यहाँ पे सीखना है, वो आप घर बैठ के भी अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह तो भी सीख सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में भी आप सीख सकते हैं, या किसी के पास कोई आपके रिलेटिव है कोई वो किसी तरह के का काम करते हैं तो उनके पास जाके आप सीख सकते हैं। काफ़ी ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप
आराम से जो है इसमें सीख सकते हैं, उसके बेस पे ही आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। और उसी से ही जैसे मानो 4 महीने 5 महीने आप सीखते हैं, उसके बाद मानो आपको कहीं अच्छी एक जॉब मिल जाती है, अच्छी तो ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट के लेवल की मिल जाए, मगर नॉर्मल जैसे अच्छी एक ठीक जॉब मिल जाती है किसी कंपनी वगैरह में, तो हो सकता है कि फिर भी आपकी शादी वगैरह जो वो ठीक हो जाए। जब उनका मेन मोटिव यही था कि सर शादी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम चाहते थे कि अच्छी लड़की से शादी हो, और हर किसी का भी होता है कि भाई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो, तो हाँ ये तो हर कोई चाहता है अगर आप पढ़ते हैं अच्छी तैयारी करते हैं। अब यही तो हुआ कि उनका नंबर नहीं आया, कहीं वो चूक गए, मगर तैयारी तो उन्होंने करी, नॉलेज तो उनको है, पढ़ाई तो उन्होंने की है। तो अब यही है, मैंने उनको बोला कि आप किसी भी टेक्निकल कुछ जो है सीख लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई और मैकेनिकल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी आप अलग से सीख लीजिए, कहीं जाके किसी के पास कोई वर्क या कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह से। तो यहाँ पे उन्हीं स्टूडेंटों के लिए, अब मैं एक उसी के लिए नहीं बाकी सबके लिए बता रहा हूँ, जैसे और भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, एज ज़्यादा हो गई है किसी वजह से, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो भी कोई भी मैटर हो सकता है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत काम है। बेस्ट तो यही है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखें तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, हर चीज़ नई नई आ रही है, टेक्नोलॉजी जो है बदल रही है काफ़ी, इसमें ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। जैसे कि आप अगर टाइपिंग अकेला सीख लेते हैं, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, तो टाइपिंग के बेस पे भी आप वर्क कर सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री वगैरह का हो गया, पर्सनल लोग भी अपनी टाइपिंग वगैरह कराते हैं, अपनी बुक वगैरह लिखवाते हैं, नोट्स वगैरह, इस तरीके काफ़ी काम होता है जो ऑनलाइन वर्क मिलता है। आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो है, आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन साइडें होती हैं, उनसे वर्क मिलता है बाहर से भी और इंडिया से भी इस तरीके से, तो ये भी एक ऑप्शन है। या आप यहाँ पे जैसे कि और भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, एक एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप सीख सकते हैं जैसे कि एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह, इन पे काम करना, वो भी ज़्यादा वो ऐसे नहीं है कि हार्ड है, वो आपने अगर पढ़ाई इस तरीके से की है, ग्रेजुएशन वगैरह की है, तो आप आराम से जो है सीख सकते हैं फॉर्मूला वगैरह जो, तो इसके बेस पे भी आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट वगैरह हो गए, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हो गए, या स्टोर वगैरह में, या आपको रिसेप्शन वगैरह में, स्कूल में, कॉलेज में, जो है ऑफिस वगैरह में, काफ़ी इस तरह की वैकेंसी होती है, तो इनके बेस पे भी आप जॉब कर सकते हैं। या इनमें एक और भी होता है कि मानो जब काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो फिर वो अपना बिजनेस वगैरह कोई छोटा मोटा खोलने की सोच लेते हैं, तो इसमें भी ये भी अच्छा है कि आप ये सीख के अपना काम भी कर सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट, आप अपना कोई सेंटर खोल लेते हैं तो वहाँ पर टाइपिंग वगैरह का काम, पेपर वगैरह होते हैं स्कूलों के, उनकी छपाई वगैरह, इस तरीके के काफ़ी वर्क होते हैं, वो भी आप अगर थोड़ा टेक्निकली सीख लेंगे तो उसके वगैरह पे आप अच्छा बिजनेस जो है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, ये भी अगर सर्टिफिकेट आप इसका लेते हैं, करते हैं कोर्स, तो ये भी कम ही टाइम का होता है, ये आप कर सकते हैं, और इसका तो काफ़ी जो है काफ़ी आने वाले टाइम में जो इसका फ्यूचर है। तो और ऐसे जैसे ग्राफिक डिजाइनर का हो गया, तो ये आप सीख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी फ्यूचर है, इसमें अपना आप स्टूडियो वगैरह ओपन कर सकते हैं या कहीं पर जॉब वगैरह भी कर सकते हैं, तो काफ़ी ऑप्शन है, बस आप एक बार सोचिए, देखिए जो लोग जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उनसे सलाह लें, ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और फिर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ तो अब आपका कुछ नहीं बचा, ये एक लेवल होता है, आपने हाँ तैयारी करी, नहीं हुआ ठीक है भाई, नहीं हुआ सभी का नहीं होता है, तो आप और भी ऑप्शन है, सोचेंगे तो बहुत ऑप्शन है, ऐसे नहीं है कि अपने माइंड को बस एक ये कर लिया और बिल्कुल उसी में ही रह गए कि गवर्नमेंट में हमारा नंबर नहीं आया, हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि आप उसके लिए बने ही ना हो, आप प्राइवेट सेक्टर में आए, बहुत अच्छा है, इस प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, तो आप अच्छी पोजिशन पर जा सकते हैं अगर तैयारी करते हैं तो आप यही है लास्ट में कि आप देखिए कि अगर गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता है तो कुछ आप टेक्निकली ज़रूरी है कुछ सीखना, ऐसे नहीं जाके बस आपने किसी की फैक्ट्री वगैरह में ऐसे ही काम करने लगे या किसी की शॉप वगैरह पे काम करने लगे, शॉप पे भी अगर काम करते हैं तो ऐसे पे करें जहाँ कुछ सीखने के लिए मिले, जिससे आप अपना कोई भी आगे चल के शॉप वगैरह अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत ज़्यादा काम है, देखेंगे आप घर में सभी के पास, जितने लोग हैं उन्हें सभी के पास मोबाइल है आज के टाइम में, तो मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का आप सीख सकते हैं, या जैसे और भी बहुत काम है, जैसे कि आप आपका अगर मैकेनिकल में मन लगता है तो बाइक वगैरह का काम हो गया, कार वगैरह का काम हो गया, इसका आप जो अपना शोरूम वगैरह ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, तो काफ़ी ऑप्शन है, बस आप देखें, या मैं तो यही कहूँगा सबसे अच्छा तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है काफ़ी, आप कुछ भी जो है सीख लीजिए, किसी लैंग्वेज वगैरह पे काम करना अगर आपने पहले थोड़ा बहुत किया है, या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करना, तो काफ़ी ऑप्शन है, ये आप सीख लीजिए, अगर अभी भी इसमें आपको लगता है कि किसी सलाह की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं,
इंस्टाग्राम पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका अकाउंट जो है उसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं इसके बारे में, या फेसबुक वगैरह पे भी कर सकते हैं, और चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही आप कमेंट करें तो भी हम आपको बता देंगे कि आपने हाँ तैयारी की तो क्या कर सकते हैं, कहाँ से आप हैं, जहाँ आपको अच्छी जॉब मिल सके, किस एरिया से आप हैं उसके बारे में, वहाँ आप क्या काम कर सकते हैं, तो जितना हमें पता है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और कई बार नंबर नहीं आता है तो क्या आप कर सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी नहीं सिलेक्शन आया, बहुत लोग हैं ऐसे जिनका नहीं हो पाता है और सभी का हो भी नहीं पाता, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी आप देखते हैं निकलती कितनी है, भरते कितने लोग हैं, वो वैकेंसियों में लोग भरते हैं, मानो कि 10th से वैकेंसी निकली हुई है उसमें ग्रेजुएशन किए हुए लोग या मास्टर डिग्री किए हुए लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसी बहुत कम होती है, सभी का नंबर नहीं आ पाता है। तो इतना ही आज की वीडियो में दोस्तों, अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसे लोगों के पास, आप जानते हैं जिनकी एज वगैरह ज़्यादा हो गई है और अब वो कुछ और हटके करना चाहते हैं, तो उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम इस तरह की कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।